नेक अटैक खुल गए, साजिद को चाहिए इंसाफ इंसाफ एंड इंसाफ। हाय गाइस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। माय होम इज हैप्पी हेल्दी विद योर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग न्यू पर्सन माय होम, ब्रदर सिस्टर गर्ल बॉय एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच बच्चा माय हाउ माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। उम्मा उम्मा हो गया मेरी, उन सब बहनों का लव यू हो गया। चलिए जी, बात कर लेते हैं सितारा यासीन की, वीडियो के ऊपर देंगे रिव्यू। सबसे पहले हम सुन लेते हैं सितारा यासीन ने ऐसा क्या किया कि पूरी वैटी पर यूट्यूब पर हो गया है हंगामा। उस हंगामे पे हम भी कर लेंगे बात। फर्स्ट लेट्स गो विद मी एंड वॉच करते हैं। इसकी हमें लंबाई सही नहीं, और अम्मी आपके ऊपर अच्छा लगेगा, प्यारा लग रहा है। और ये इसके साथ का ट्राउजर हो गया, आप लोगों को पता लग गया होगा, ये वकार लोगों ने इनको गिफ्ट दिया था। देखे निकल गए, अच्छा किया। नेल्स उतर चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, पहले में अच्छे नहीं लग रहे, लग रहे पहले माँ को अच्छा नहीं लग रहा था। अभी कितने छोटे लग रहे हैं। तो आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। उसके साथ साथ मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, एंड करने से पहले, जो के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं इस पर बात करूँ। आपने देखा कि ना, मेरी ना व्लॉगिंग अच्छे से नहीं हो पा रही। मैं व्लॉग सही से, एक प्रॉपर जैसा रूटीन वाला व्लॉग होता है ना, सुबह नाश्ता हो रहा होता है और खाना, मेहमान आना जाना, ये सब कुछ वो मेरी रूटीन में नहीं है। और इस वजह से नहीं है कि आज से कितने महीने पहले, मतलब जब हम यहाँ आए थे ना इस्लामाबाद, जब हम शिफ्ट हुए, तो उन दिनों में ही मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाई थी। मैं ये कहा था कि कोई भी यहाँ पर जितने भी रिश्तेदार हैं सब मिलने के लिए हैं, लेकिन कोई भी वीडियो शूट ना करे, ना वो वीडियो बनाएंगे ना हम बनाएंगे, तो हम एक दूसरे को वीडियो में नहीं दिखाएंगे। तो ये तब से ये सब चल रहा है कि कोई भी घर में आता जाता है तो मैं किसी को भी नहीं व्लॉग में लेती, नहीं व्लॉग बनाती हूँ। और उस वजह से बहुत कुछ मिसिंग होता है, जैसे खाना बन रहा होता है, सारे टेबल पर बैठते हैं, खाना खाते हैं, चाय बनती है, साथ में बैठना उठना, वो चीज़ें नहीं होती। और अक्सर जो घर पर मेहमान होते हैं, बहुत सारे मोमेंट ऐसे होते हैं जो मेरा दिल करता है कि मैं वो वीडियो बनाऊं, लेकिन नहीं बना सकती कि बीच में वो सब होता है कि नए रिश्तेदार हैं, ये है, तो वीडियो नहीं बनानी। और अब हमारी कोई छोटी सी YouTube फैमिली नहीं है, हम 1 मिलियन हमारी YouTube फैमिली है। और उसके लिए मैं एक अच्छा और एक प्रॉपर काम ना करूं, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना, मेरी फैमिली मुझे बहुत देखने के लिए, मेरा काम आधा अधूरा होता है, मेरे व्लॉग आधे अधूरे होते हैं, प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं जा रहा। सब कुछ इस वजह से हुआ कि स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, आप सब जानते हो, जिस वजह से ये स्टेप मेरे हस्बैंड ने लिया था। उस टाइम मैंने उनसे कहा था कि नहीं बोलना चाहिए था कि मतलब सब रिश्ते भी ऐसे नहीं है, कुछ हैं बड़े हैं घर के, कोई भी आता है तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा, तुम बस चुप रहो, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ताकि ये चीज़ें ख़त्म हो। क्योंकि बहुत सारे रिश्ते ऐसे थे जो सिर्फ एक वीडियो की हद तक थे, और बाद में फिर मेरे खिलाफ हो जाना। तो मतलब शुरू में ये सब कुछ हुआ, तो उस एक डर से और उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये सब स्टेप उठाया था। आप सब जो शुरू से मेरे साथ हो, सब मेरी एक जर्नी आपने देखी। जो लोग शुरू से इनके साथ थे वो इनके खिलाफ हो जाते थे, इसका मतलब सीधा सीधा ये बोल रही हैं दिलबर लोगों को, क्योंकि दिलबर, बाबर, सुमैरा, फातिमा, ये सब इनके साथ रहते थे। डोंट माइंड माई सिस्टर, जो इनकी बातों से निकाला जा रहा है। बाकी रहा इनके घर में, गाँव से कोई आया नहीं आया, कौन आया, क्या है क्या नहीं है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन ज़्यादा इनके करीब कौन रहता था, वही फैमिली रहती थी। उसके बाद उनकी फैमिली ने क्या किया, वही किया जो आप लोगों को पता है। दिलबर ने भी इनको गालियां निकाली, ठीक हो गया जी। उसके बाद ही सुमैरा के जो है, उसकी फातिमा की, जो सुमैरा की बहन फातिमा, उसके भी बहुत सी चीज़ें बाहर निकली थी। लेकिन अगर उन चीज़ों को अनदेखा कर सितारा यासीन को टारगेट करना लग जाएं कि जी ये अभी इन्होंने ये जो आज कहा है कि मेरे हस्बैंड ने उस टाइम मना कर दिया था, लेकिन अब जो है इनका दिल करता है कि रिश्तेदार घर में आए, सब आए, और उनको डिनर हो, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, वो सब इनकी वीडियो में नज़र आए। तो इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि अब जो है दिलबर, वो तो अब आ नहीं सकता, वो अब दूर हो गया, कट गया इनके साथ। और इसके अलावा अब इनके ज़्यादा करीब कौन है, ज़्यादा करीब कौन है, वकार लोग हैं जी। तो वो फैमिली है, जैसे वो फैमिली आई हुई है। अब सितारा का ये है कि क्योंकि जहरी बात है, उनको भी अपना 1 मिलियन करना है, ये कोई खफा होने वाली बात नहीं है। तो किस तरह होगा, वो इसी तरह होगा कि वो सितारा को, जैसे उन्होंने सितारा को वीडियो में लिया, बाहर गए, दावत हुई, इसी तरह अब सितारा जो है उनको अप
अपने व्लॉग में लेंगी ताकि उनका भी 1 मिलियन हो, तो होना चाहिए। ठीक है, बात है भाई, अगर सितारा को ही इस चीज़ पे तराज नहीं है, अगर वो चाहती हैं कि उनकी बराबरी में वकार का चैनल आ जाए, या फिर फारूक इनका जो भाई है उनका चैनल इनके ऊपर आ जाए, या फिर जिन जिन लोगों को इन्होंने शॉर्ट आउट दिए हैं उनके चैनल इनके चैनलों के ऊपर बराबर आ जाए, जब ये खुद चाह रही हैं, तो आई थिंक सो के बैठी के ऊपर जो कुछ भी हो रहा था आज सारा दिन मैं सुनती रही हूँ, जो कुछ भी हुआ है वो फिर हमें तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है बात करने की कि भाई सितारा को अपने घर में इसको नहीं बुलाना चाहिए, उसको नहीं बुलाना चाहिए। देखिए, साजिद ने भी स्पोर्टरों की इज्जत रिस्पेक्ट कर वो फैसला लिया था और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि आज के बाद जो भी मेरे घर में आएगा वो वीडियो नहीं बनाएगा और उस चीज़ को वो लेकर साजिद जो है वो लेकर चल ले। लेकिन यहाँ पर अब ये जो फैसला है ये सितारा यासीन का है, हो सकता है इस फैसले पे जरूरी होगा लाजमन होगा कि मियाँ बीवी में थोड़ा हुआ होगा आपस में, जो जारी बात है साजिद ने कहा होगा नहीं आप ये गलत कर रही हो, सितारा ने कहा होगा नहीं मुझे जो है जाके ऐलान करना है, बताना है कि आज के बाद जो भी मेरे घर में आएगा मैं उनको अपनी वीडियो में लूंगी। तो इसके बाद जी अगर अब कोई भी इनके पास आता है, इनके घर में आता है, या फिर वही लोग जाके इनके साथ दगाबाजी करते हैं, बेवफाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फिर जितनी भी मेरी बहनें सपोर्टर हैं, आज बहुत सी लाइवें भी मैंने सुनी है जहाँ पर कहा जाता कि अगर सितारा के साथ ऐसा कुछ भी होगा तो हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। ठीक है, हर एक अपना फिर है, जब सितारा का अपना फैसला है, जब सितारा ही चाह रही हैं कि उनके ऊपर लोग बात करें, पॉइंट आउट करें, उनकी बराबरी पे चैनल लेकर आए, तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, सितारा का व्लॉग देखना है, उसके ऊपर बात करनी है कि आज इन्होंने क्या कहा है। तो सितारा ने जो आज कहा है वहाँ पर मुझे साजिद के साथ जो है ना वो अच्छा नहीं हुआ। हस्बैंड जो होता है वो एक तो सर का ताज भी होता है, और खुदा का अगर हुक्म होता कि मेरे बाद किसको सजदा जायज़ है तो वो हस्बैंड को जायज़ है। ये सब चीज़ें जो है हमारी बुक्स में जो है वो लिखी हुई हैं, तो इसको हम जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर इन्होंने साजिद को खफा कर ये फैसला लिया है तो बहुत अब हम इन्हें क्या कह सकते हैं, इनका अपना फैसला। अगर ये सोचती हैं कि इनका 1 मिलियन हो चुका है और चाहे अब ये हर एक को अपने घर में बुलाएंगी, वीडियो बनाएंगी, देखें यहाँ पर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनकी घर में जो फैमिली होती है ना, उनके बच्चे होते हैं, माँ होती है, बाप होता है, बहनें उनके साथ रह रही होती हैं, तो वो अपने घर में वही सब कुछ दिखाते। अगर उनके घर में कोई गेस्ट भी आ जाए ना, इतना वो उनको शो अप नहीं करते। अगर आप रजब का व्लॉग देखेंगे तो रजब भी अपने बाप को, माँ को, माँ के साथ खासतौर पर वो ज़्यादा बनाता है। अब जैसे उनकी बीवी उनका में आ गई है, उनकी वीडियो कॉल पर उनकी थोड़ी सी वो दिखाता है, उनके साथ चिक चैक बाइक जाना, ये वो दिखाना, वो ऐसे नहीं करता कि पूरे ख़ानदान को बार 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 एवरीडे या फिर उनको बुलाना या खानदान वाले ढीठ। जैसे अब इसका सुना सितारा यासीन का, खानदान वाले तो हैप्पी हो गए, उन्होंने कहा हम नहीं बनाते, इस ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन कौन बनाएगा, सितारा यासीन। सितारा यासीन की वीडियो में अगर हम लोग नजर आए, हमारा चेहरा नजर आए, तो हमें तो खुलमा खुलमा शॉर्ट आउट मिल गया, तो रंडी रोना तो फिर वहीं से शुरू हो गया ना, हगामा तो वहीं से शुरू हो गया, सियापे वहीं से शुरू हो गए, नए कट्टे चट्टे फिर से शुरू हो गए, सब चीज़ें फिर से शुरू हो गई। तो ये भी सब सितारा यासीन की अपनी मर्जी है, हम उसमें कुछ भी नहीं कह सकते। अगर वो चाहती है कि सब दोबारा से हो, उनकी जो चैनल है खुदाना खास्ता वो नीचे चला जाए, जैसे उनका फैसला है, लेकिन मैं साजिद के साथ हूँ, उसके फैसले के साथ हूँ कि उन्होंने जो फैसला पहले लिया था बिल्कुल परफेक्ट लिया था। अब जो है अभी वकार का जिस्सा, उसके व्यू भी बहुत अच्छे आ रहे, क्यों आ रहे, क्योंकि सितारा 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 और सितारा फातिमा 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 और वकार वकार वकार, ये सब कुछ हो रहा है। और इसके अलावा अगर सितारा बाहर, जैसे अभी ये गई थी कल ओल्ड होम गई थी, अगर उनके साथ थोड़ा बैठती, ठीक है ना, लेट तो ये पहुंची, बैठती आराम से उनके साथ गपशप मारती, उनके साथ बात करती, उनकी और बातें सुनाती, तो लोगों, जैसे लोग आज अपनी लाइवों में भी बोल रहे थे, वो लोग उसको और ज़्यादा उनको वो करते, ताकि लोगों को पता लगता कि अभी सितारा यासीन ओल्ड होम गई हैं और इस तरह उनकी बातें सुनाई हैं, कि बातें सुनाई हैं, बस यही दुआ की है, इनके हक के लिए दुआ की है और इस तरह की उनके लिए दुआ की है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से पॉइंट हैं जो सितारा को अब उनको ना सोच समझ के, समझदार तो है, शी इज़ इंटेलिजेंट, तभी तो उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी व्लॉगिंग में अब हर एक को लूँगी, कोई मेहमान आता है, ये आता है, वो आता है, तो आप कुकिंग शो कराएं।
आप बाहर जाते हो जिस तरह आप अपने हस्बैंड के साथ जाते हो, जैसे हम आपकी पहली पुरानी वीडियो देखते थे, आप वो शो कराते थे। हाँ, उसमें अगर दिलबर, बाबर, सुमेरा, फातिमा आ जाते थे तो आप उनको शो कराते, या जिस तरह नैना आपके साथ रहती थी आप उनको शो, लेकिन वो आपका सारा हमें नजर आता था। लेकिन आजकल तो बस अभी फातिमा, फारूक, ये वो, अब जिस तरह नया कट्टा खोल दिया है नजमा ने कि भाई मेरे मियाँ की शादी, लिखा तो उन्होंने यही था, अंदर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं निकला। हालांकि शादी है फारूक की, वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएगी। अब इसने क्या लिखा जी, बेटों के लिए, बेटा तो है उसका एक ऑलरेडी, उम्र अल्लाह ने जितने बच्चे लिखे हैं उतने ही होंगे ना, पहला बेटा आ गया उनका इस दुनिया में या पहली बेटी उनकी आ गई, लेकिन बेटा तो है ना। तो इस तरह के थंबनेल लिखना, यूं करना, तो अब हम क्या कह सकते हैं, अगर सितारा का खानदान ही सब इस तरह का है और सितारा खुद उनको कह रही कि आओ आके जो है तुम लोग बनाओ, वीडियो भी बनाओ, ये भी करो, वो भी, कल ये भी हो जाना, इसमें भी कोई बड़ा मसला नहीं है। दूसरी बात, एक और पते की बात करती जाऊं, आप लोग जाके देखें मेरी 4-5-6 दिन पहले की वीडियो आप देखें, उसके अंदर मैं ही वो वाहिद बंदी थी जिसने कहा था कि हाजी गुलाम मोहम्मद भी जो है ना बहुत जल्द वापस कराची आ जाएंगे, बेशक उनको जो है साजिद ने मना किया है। तो उस चीज का पहला प्रूफ मिल गया कि सितारा ने उनको अनदेखा, अनसुना कर दिया। इसी तरह अभी हाजी गुलाम मोहम्मद भी, मेरी पुरानी वीडियो में भी पढ़ा हुआ है, जिस दिन अम्मी वापस कराची आई थी और वो सामान लेने गई थी, तभी दूसरे दिन मैंने डाल दिया था कि हाजी गुलाम मोहम्मद भी बहुत जल्द जो है कराची से इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, इसलिए सारे रस्ते वस्ते साफ किए जा रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना है, बहुत से लोगों का कहना है, लेकिन जो सच है वो सच है। अगर मेरी बात पे अगर सितारा यासीन या उनकी अम्मी कोई भी सपोर्टर अगर बुरा मनाता है तो इस ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो हक सच की बात है हम वो बोलें, क्योंकि सितारा ऐसी बंदी हमने देखी है कि इनको कोई गाली गलौज दे, इनके ऊपर कोई कीचड़ उछाले, कुछ भी करे, सितारा अपने खानदान को नहीं छोड़ सकती, वो सबको लेकर चलेंगी, खा वो कोई भी हो, खा अगर इनका ससुर हो या फिर नजमा ने जो कुछ किया है, और इसके ऊपर इनकी माँ के ऊपर खासतौर पर जब गाली गलौज दी है, सल्लू ने दी थी ना, आप लोगों को पता है उस चीज का, लेकिन वहां पे भी किसी ने आवाज नहीं उठाई, ना ये आया ना इसने कुछ उसको बोला, क्यों, क्योंकि नजमा का वो भाई था, तो इसमें फारूक की तो जरूरत नहीं थी। हाँ, अगर कोई दूसरा इनके ऊपर बोलता है देन फारूक आता है, तब जब इनकी बीवी के ऊपर कोई बात करे तब फारूक आता है, वो भी अपने चंद व्यू के लिए, तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, हम लोग जो है सितारा यासीन को देखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, अब उनके लिए आने वाला दिन क्या होने वाला है, क्योंकि सब लोग कह रहे थे इनका 1 मिलियन हो गया, अब इनको पुराने सपोर्टरों की कोई ज़रूरत नहीं है, जो इनके लिए चीखते थे, चलाते थे, गाली गलौज खाई, बच्चों के चीर फाड़ करवाए, सब कुछ कराए उन सपोर्टरों ने, इनको उनकी अभी ज़रूरत नहीं है। वो दिन भी दूर नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि सितारा यासीन के एक दिन वो बात भी बोलकर चली जाएंगी और सब हक्के के बक्के रह जाएंगे। तो जी, हम जो भी न्यूज़ लाते हैं परफेक्ट लाते हैं, जैसे हाजी गुलाम मोहम्मद का बोल दिया, अभी जी इनकी वीडियो में ये इन्होंने खुद इस चीज़ का सबसे बड़ा प्रूफ दे दिया, इन्होंने कहा कि अभी अपनी व्लॉगिंग में इन सबको लाएंगे, क्योंकि इन्होंने बताया है, इन्होंने सुना नहीं, इन्होंने बता दिया है। तो ठीक है जी, इनके साथ न्यू आवाम जुड़ चुकी है, अब न्यू आवाम जाने और सितारा यासीन जाने, लेकिन हम इनको फॉलो कर रहे हैं, इनके चाहने वाले हैं, हम इनकी व्लॉगिंग देखेंगे और उसके ऊपर रिव्यू देंगे कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन आज में यही लगा है कि साजिद के साथ जो है बेइंसाफी हुई है, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए था। आप लोग भी जाएं साजिद का जाके चैनल सब्सक्राइब करें और जाके उनको भी व्यू दें, क्योंकि वो अच्छा बंदा है। शुरू में स्टार्टिंग में हम लोगों ने भी उनको बहुत ट्रोल किया था, जहरी बात है सितारा यासीन से प्यार करते हैं, जिसकी वजह से उनको ट्रोल किया गया, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कोशिश से कर ली थी, लेकिन कोई बात नहीं, सब शादी करते हैं। अभी बाबर इसको देखो ना, दिलबर को देखो, तो शादी कर ली, एंजॉयमेंट हो रहा, सब कुछ हो रहा है ना, तो इस तरह हर कोई शादी करता है। तो भाई साजिद को जाए, उसका चैनल सब्सक्राइब करें, अच्छा सच्चा बंदा है, बीवी से प्यार करता है सितारा यासीन से, उसके ऊपर इतना कुछ हुआ, अगर साजिद ऐसा होता तो इसको छोड़कर चला जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने हर कदम ब कदम अपनी बीवी का साथ दिया और इस फैसले में वो खामोश हो गया है कि आपने ऐसा सितारा अच्छा नहीं किया जी। ये भी एक अंदर की न्यूज़ है, लेकिन अब क्या कर सकते, मियाँ बीवी है, मियाँ बीवी के मसले में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमारी सितारा को बदबू नजर से बचा के रखे, दुश्मनों की साजिश जो होती है ना, साजिश जो प्लानिंग करते उस चीज़ से उसको बचा के रखे, क्योंकि 1 मिलियन हो गया है, इंशाल्लाह जो नंबर हैं वो हाई हाई होते जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इनको अच्छे लोग, अच्छे दोस्त इनको मिले। और जहाँ पे मुझे वकार का नज़र आता है, वकार का इसलिए मुझे नज़र आता है कि वकार ने इनका चैनल भी जो है वो हैंडल करता था, सब कुछ करता था, हो सकता है कि उनको बदले में उनको है कि चलो इसका चैनल भी ग्रो हो जाएगा, तो उसका चैनल तो ग्रो होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली तो कहा था कि इनका जो है इकरा जो बड़ी यूट्यूबर है उनके साथ, डकी भाई हो गए और बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए उनके साथ इनका उठना बैठना है, उनके साथ खाना पीना ये वो, जैसे इनके थोड़े से हाई हो जाएंगे तो इनका उनके साथ रابطہ हो जाएगा, फिर हम देखेंगे क्या वकार
उस टाइम पे जब वकार के मिलियन से ऊपर हो जाएंगे, उस टाइम पे क्या वो सितारा यासीन को याद रखता है, क्या सितारा यासीन के लिए सब कुछ करेगा जैसे सितारा यासीन फातिमा और उसके हस्बैंड वकार के लिए कर रही है, ये फिर हम तब उस टाइम सितारा यासीन से पूछेंगे। चलें जी आएंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के ऊपर, क्या रिव्यू देना है, क्या बात करनी है, आएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय गाइज़।